हाल ही में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल उम्र 78 वर्षीय ज्येष्ठ वरिष्ठ नागरिक, इन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। पत्र में लिखा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के विकास में बाधा डालने के लिए व्यवस्था को दोषी ठहराया है। साथ ही नितिन गडकरी ने राज्य सरकार से सीमा चौकियों को हटाने का आदेश पहले ही जारी कर दिया है, फिर भी सबसे अधिक भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की सीमा चौकियों पर हो रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राज्य सरकार भाजपा की है और इसलिए हम यह समझने में विफल है कि राज्य से सीमाएं और भ्रष्टाचार क्यों नहीं हटाया जाता है। साथ ही सौभाग्य से आज फिल्म सूर्यवंशी देखी है, जिसमें एहसास हुआ कि अच्छे अधिकारी कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के समाचार लेख का कोई मतलब नहीं है। जहां आप सिस्टम और अधिकारियों को दोष देते हैं और अगर कोई वास्तव में काम करना चाहता है तो वे इसे करवा सकते हैं और अच्छा करें और व्यवस्था को दोष ना दें, ऐसा प्रहलाद अग्रवाल ने लिखा है। वैसे ही ज्वाइंट एक्शन कमेटी ट्रांसपोर्टरों और चालक मालक के हित में काफी कार्य करती आ रही है, फिर वो चालकों के सुरक्षा के बारे में हो या फिर परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ हो। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि राज्य और प्रांत में सीमा और चौकियां हटा देनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार का उगम ना हो, जिससे चालक और मालक दोनों सुरक्षित रहेंगे और देश में व्यवस्था बनी रहेगी। वैसे ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने व्यवस्था को दोषी ठहराया था। अग्रवाल का मानना है कि दोषी व्यवस्था नहीं है, अधिकारियों के अवैध कार्यों पर लगाम लगानी चाहिए, जिससे परेशानी सरकार को और देश को नहीं होगी, अधिकारियों और चालक मालक में परेशानी नहीं होगी, जिससे व्यवस्था संतुलित रहेगी और देश भी विकसित रहेगा। इस दौरान ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल, शिवाजी वाहन चालक के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल और भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा उपस्थित थे। साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र मिश्रा भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज हम इन बीसीएन न्यूज के मीडिया के माध्यम से आप सभी को लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी भाई ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मोदी जी के नाम से एक लेटर जारी किए हैं और गडकरी साहब ने विषय को भी उन्होंने माना है, पेपर के माध्यम से समाचार प्राप्त हुआ कि सरकारी सिस्टम में कहीं न कहीं गड़बड़ी प्रशासन के लोगों के द्वारा ही काम में अवरुद्ध होता है। तो ये सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अगर प्रशासन का काम अवरुद्ध होता है तो इसमें कहीं न कहीं सिस्टम में गड़बड़ी केंद्र सरकार ने स्वयं मानी है, इसमें कहीं सुधारने का उसको प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात यह है, जो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के चेक पोस्ट हटाने का ऑर्डर जारी किया था, जो भ्रष्टाचार के मुख्य अड्डे हैं, वो अड्डे आज भी उसी तरह से कायम थे जो पहले भी थे। अभी महाराष्ट्र प्रदेश सरकार ने ओवरलोडेड के बारे में बहुत कड़ा कदम उठाया है, हम उसका स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं कि ओवरलोड गाड़ियां नहीं चलना चाहिए। ओवरलोड से रोड का नुकसान होता है, बहुत तकलीफें होती हैं। आज हम रोड सेफ्टी के विषय में काम करने जा रहे हैं तो ओवरलोड उसका मुख्य कारण है, तो बंद होना चाहिए, कड़ी सी कड़ी कार्रवाई भी होना चाहिए। और उसी विषय में प्रशासनिक अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि राजस्व का नुकसान ना किया जाए, और कड़ी सी कड़ी जब कार्रवाई करेंगे तो ऑटोमेटिक लोगों में डर और मन भय पैदा होगा तो लोग उस विषय से डरेंगे। तो प्रशासन को भी कड़ाई करनी चाहिए, उसमें ढिलाई नहीं करनी चाहिए, और जितनी राज्य सरकारें हों अथवा केंद्र सरकारें हों इसमें रोड सेफ्टी के विषय में सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आज ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो प्रहलाद अग्रवाल जी ने सरकार को बराबर न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, मेल पे, रजिस्ट्री के द्वारा ये सब कार्य कर रहे हैं, और साथ में हमारे ये शिवाजी वाहन चालक संचालक एसोसिएशन संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और हम लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ परिवहन, भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन विभाग होना चाहिए। इसके लिए हमारी लड़ाई संघर्ष जारी रहेगी और हम ये प्रयास करते रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं दिनेश अग्रवाल, शिवाजी वाहन चालक एंड संचालन एसोसिएशन की तरफ से आज मीडिया के माध्यम से मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रहलाद अग्रवाल जी ने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र के द्वारा जानकारी दी है कि जो नितिन गडकरी साहब ने अपने एक लेटर नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके माध्यम से पूरे राज्य की सीमाओं को बंद करने के लिए उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन आज तक कोई भी राज्य ने कोई सीमा को बंद किया नहीं गया है।
जब सरकार ही सरकार का कहना नहीं मानती तो आम जनता क्या करेगी। हमारा निवेदन ये है कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार लूट मची है जो आरटीओ चेकपोस्ट पे, उसे जल्द से जल्द बंद करने का निवेदन है आप लोगों से। और यही एक निवेदन हम आपसे कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे किया जाए, जिससे कि आम ट्रक ड्राइवर को, ट्रक मालिक को, वाहन चालक को जो दिक्कतें आ रही है, परेशानी हो रही है, इसे जल्द से जल्द इनसे छुटकारा दिया जाए। मेरी गुजारिश ये है कि नितिन गडकरी साहब ने एक निवेदन भी दिया है कि जो भी सरकारी काम होते हैं वो सरकारी अधिकारियों की वजह से ही डिले हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि सरकारी अधिकारी क्यों डिले कर रहे हैं काम के पीछे। आज कोई काम हाथ लेते हैं तो उसका साल दो साल महंगाई बढ़ जाती है, आज कोई काम 100 रुपये में लेते हैं वो काम डिले होके 1000 रुपये में जाता है। तो ये जो डिफरेंस है वो बोझ आम जनता पे ही पड़ता है। उसका जो भी जनता पे आता है, टैक्स बढ़ा दिया या डीजल का रेट बढ़ा दिया, कई चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी, इस कारण से आम जनता ही परेशान हो रही है। तो हमारी जैक जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, शिवाजी वाहन चालक की तरफ से, भाईचारा राजमार्ग परिवहन की तरफ से, मैं तीनों संस्थाओं की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि इस विषय पे आम जनता को भी ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए सब लोग मिलके अगर सरकार के पास जाएंगे कि जिससे हमें ताकत मिले सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए, कि इस विषय में हमें ध्यान दें। और लगातार जॉइंट एक्शन कमेटी इस विषय पे लगातार पत्र व्यवहार करती रहती है, चैनल के माध्यम से भी ये बात ऊपर तक पहुंचाने के हमारे अध्यक्ष श्री प्रहलाद। वाड़ी से NBCN न्यूज के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।